कैसे हैं आप दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम है अनमोल जैन और आप देख रहे हैं मेरी वीडियो। दोस्तों क्या आपको भी फोटोग्राफी का शौक है? क्या आप भी फोटोग्राफी करना चाहते हैं? दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप DSLR जैसी मतलब कैमरा जैसी फोटोग्राफी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको DSLR जैसी मतलब कि कैमरा जैसी फोटोग्राफी कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल में। जी हाँ दोस्तों, आप DSLR जैसी फोटोग्राफी अपने मोबाइल में कर सकते हैं। ये वीडियो है आपके लिए। हाँ दोस्तों, बहुत क्या होता है कि बहुत सी जगह लोगों के पास वीडियो फोटोग्राफी करने का शौक होता है, उनके पास कैमरा नहीं रहते हैं। तो दोस्तों क्या आपको भी करना है मोबाइल में DSLR जैसी फोटोग्राफिक शूट? तो देखते रहिए हमारी ये वीडियो। तो दोस्तों चलते हैं अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ गए हैं। दोस्तों अपन को मोबाइल की होम स्क्रीन में खोलना है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में अपन को सर्च करना है B612। ये B612 बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों, और इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, 4.2। आपको इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब मैं इसमें एक फोटो आपको कैप्चर क्लिक करके दिखाऊंगा। तो मैं इस फोटो को मैं अपनी रैलिंग को क्लिक करता हूँ। मेरे पास कुछ और चीज़ नहीं है तो मैं इसे को क्लिक करके दिखाता हूँ। तो आपको DSLR का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों मैंने क्लिक कर दिया। आपको बहुत देर तक टाइप करे रहना है, मैंने दबा दिया है, बहुत देर तक दबाए रहना है। तो देखिए दोस्तों पीछे की जो चीज़ें होंगी आगे पीछे की वो ब्लर हो जाएंगी थोड़ी बहुत। जी हाँ दोस्तों, देखिए थोड़ी 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 ब्लर हो जाएगी। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा पूरी ब्लर कैसे करना है। तो दोस्तों आपको डन पे क्लिक कर देना है। तो मैं अभी सिंपली डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मुझे ये देखिए दोस्तों वो हो रहा है। तो दोस्तों मैं सिंपली डन पे क्लिक कर दिया है। अब मैं चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं डन पे क्लिक कर दिया। अब हमें चलना है उस ऑप्शन पर, कहाँ मिला वो ऑप्शन। तो दोस्तों सिंपली चलना है, अपने डन पे क्लिक कर दिया है। अब हमें चलना है वैसला ऑप्शन पर। तो जो यहाँ पे जो डाउनलोड के बगल में जो ऑप्शन है आपको उस पर चलना है। तो मैं डाउनलोड के बगल में जो ऑप्शन है मैं उस पर चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए जे हो गई है। देखिए दोस्तों आप इसको ब्लर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपके लिए जो सिंपली आपको करना है अच्छी फोटो कैप्चर करने के लिए, आप देखिए इसको थोड़ा थोड़ा ब्लर कर दीजिए। देखो मैंने कर लिया है ब्लर, और देखिए दोस्तों जी हाँ हो रहा है। जी हाँ बहुत बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों ब्लर। तो दोस्तों देखिए सिंपली हो गया है। आपको लाइन आएगी तो दोस्तों हमें ये नहीं करना है। तो सिंपली हम दोस्तों काट देते हैं। दोस्तों अब हमें करना है, अब हमें जाना है इसको मोड को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों हम कैसा मोड करते हैं, चलिए दोस्तों हम चलते हैं DSLR पे, फिर से चलते हैं इसको अच्छे से ब्लर करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत देर तक क्लिक कर रहता हूँ, तो मैंने बहुत देर तक क्लिक कर लिया है दोस्तों। जी देखिए मैं बहुत देर तक क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों। तो मैंने कर लिया है बहुत देर तक क्लिक। तो दोस्तों देखिए कितना ब्लर हो गया है हमारी ये फोटो। अब इसको हम सेव कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इफेक्ट। तो इफेक्ट डालने के लिए तो दोस्तों जी हमें ये नहीं चाहिए। तो दोस्तों हम सिंपली करते हैं इफेक्ट डालने के लिए, हम चलते हैं अपने मोड पर। यहाँ पे आप देखिए आपको हर ऑप्शन मिल जाएगा। आप लाइट को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जी देखिए आपको लाइट को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब आप हाई लाइट भी कर सकते हैं, लो लाइट भी कर सकते हैं। इसको हम पूरा कर देते हैं दोस्तों, जी देखिए। और दोस्तों हम सिंपली चलेंगे इस पर। आप कहाँ पर बहुत ही इंप्रेशन लगने वाली है ये फोटो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, इंप्रेशन लगने वाली है ये फोटो आपके लिए। तो सिंपली दोस्तों जी देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी फोटो। तो देखिए आपको हर इफेक्ट देख लेना है इसमें। मैं अपनी आपको हर इफेक्ट दिखा देता हूँ। मैंने हर इफेक्ट देख लिया। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों अगर आपको जैसी भी लाइट चाहिए, लाइटिंग चाहिए, तो आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अब हम करेंगे इसमें अब थोड़ा सा जूम बोलाएंगे। तो देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लगने लगी है हमारी फ़ोटो। तो दोस्तों हम इसमें और इफेक्ट देखते हैं क्या क्या है इसमें, जे कौन सा इफेक्ट है दोस्तों। जी देखिए दोस्तों जी, आप इसमें आप कुछ मतलब लाइन को मतलब कैसा भी कर सकते हैं दोस्तों। आपको कितनी अच्छी लगने वाली है ये फ़ोटो। तो जो दोस्तों कितनी अच्छी लग रही है। तो बहुत ही अच्छी साइज़ में आप छोटा साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्लिक कर दिया है। अब सिंपली हम ब्यूटी में चल के देखते हैं ब्यूटी में क्या है दोस्तों। ब्यूटी में हम देखते हैं। तो देखिए डाउनलोड कर ली है फोटो हमने। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।